नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता सुमन मेमराठे की खास रिपोर्ट। ना हम चुप रहेंगे और ना ही हम चुप रहेंगे, हिंदुस्तान की सियासत की यही तो कहानी है। मुल्क की राजधानी में आज से हमारे खेतिहारों ने अपना जोहर दिखाना शुरू कर दिया है। अगले महीने की 9 तारीख तक ये अपना वजूद दिखाएंगे और हमारी हुकूमत और वजीर आला उसे देखेंगे। ये वही लोग हैं जो पिछले करीब 7 महीनों से सड़कों को अपना बिछोना बनाए हुए हैं। चलिए इनकी भी बात करेंगे, अब चर्चा जरा इनकी भी की जाए। दरअसल ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के लिए सियासत करते हैं और विपक्ष और खास तौर पर भाजपा तो इनके लिए निशाने पर रहती है। अब देखिए कांग्रेस और हिंदुस्तान की आम आवाम इस वक्त महंगाई को लेकर काफी परेशान है। अब तो परेशान भाजपा वाले भी हैं, लेकिन क्या करें, वो बोल नहीं सकते क्योंकि पार्टी का घेरा उनके चारों ओर रहता है। तो फिर आम आवाम की आवाज को कौन उठाएगा सिवाय कांग्रेस के। और फिर अकेले राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हर सूबे की राजधानी में इस वक्त कांग्रेस नेता और कांग्रेस हुक्मरान छाए हुए हैं। अब चाहे आसमान में बादल बिना बरसे लौट जाए, लेकिन हमारे ये हुक्मरान ना तो केंद्र सरकार को बख्श रहे हैं और ना ही भाजपा से जुड़े नेताओं को। अब एक तरफ देश के किसान हिंदुस्तान की सल्तनत दिल्ली में बैठ गए हैं, तो कांग्रेस के नेता ने हर प्रदेश की राजधानी में अपना मजमा जमाए हुए हैं। जनाब केवल मुद्दा महंगाई का ही नहीं बल्कि एक बड़ा मुद्दा जासूसी का भी छा गया है। अब देखिए आपको आपका फोन, आपकी चैट, आपकी बात किसी दूसरे कानों तक पहुंचे तो साफ इसी को ही तो कहते हैं जासूसी। और फिर दूसरे शब्दों में फोन टैपिंग। अब मुल्क में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ वो वाकई हैरान करता है। ना नेताओं को बख्शा ना कलमकारों को, और तो और दूसरे खास लोगों की बातें सुनने का भी आरोप लग रहा है हमारी केंद्र सरकार की हुकूमत पर। अब दौर चल पड़ा है आरोप प्रत्यारोप का, हर एक दूसरे पर छिटाकसी करने में जुटा है। और फिर जाहिर है सियासत तो फिर चमकती है। मौसम भी खुशगवार है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बस ठंडी ठंडी पुरवाई के बीच जो बयानों की बारिश हो रही है उसे हिंदुस्तान की जनता बड़े प्यार से सुन रही है। अब देखिए कुछ ही वक्त में देश के कुछ हिस्सों में चुनाव होने वाले हैं, फिर चाहे वो यूपी हो या फिर उसके बाद मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। और जब सियासी गणित लगना शुरू हो जाए तो हर नेता अपने कपड़े को चमकाने में भी कहां छोड़ता है। बहरहाल मुल्क में चल रही सियासत वाकई बड़ी चर्चाओं में है। पहले कोरोना वायरस चर्चाओं में था और आज सियासत करने वाले नेता, लेकिन खास कौन, अब खुद आप सोचिए। फिर हाजिर होंगे सियासत की कुछ और दिलचस्प तस्वीरों को लेकर। तब तक देखते रहिए न्यूज 20 इंडिया। नमस्कार।